यूट्यूबर है, तुम क्या समझते हो इसको? अपनी परीक्षा ले ली थी मैंने उसकी। सो हे गाइस, कैसे हो यार आप लोग? आज का एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ, और आज मैं आपको टोटल दो गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। पहला गेम प्ले में भाई आपको चिकन देखने नहीं मिलेगा, लेकिन हाई किल है, और दूसरा गेम प्ले में चिकन है लेकिन उतने ज़्यादा किल नहीं है। तो भाई सेटिस्फेक्शन दोनों देख के मिल जाएगा। अब वैसे बहुत लोग नीचे कॉमेंट में बोल रहे होते हैं कि भाई वॉइस ओवर के साथ वीडियो डालो, तो लो भैया आज से वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो आएगा। और नीचे कॉमेंट में जाकर मुझे ये बताना कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसे लगती है और क्या रिव्यू दोगे मेरी वीडियोज़ को, लाइक आपको क्या वीडियो में अच्छी लगती है, क्या खराब लगता है, मेरे को क्या इंप्रूव करना चाहिए वो बताओ। और यार जिसको भी मेरे साथ में खेलना है या फिर गेम प्ले में आना है, नीचे कॉमेंट में अपना आईडी दे दो, मैं सबको जाकर रिक्वेस्ट करूँगा और भाई ट्राई करूँगा सबके साथ जाकर वीडियो बनाने का। और भाई देखो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि देखो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम लोग को। फिलहाल इस वाले बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा होता है जिसकी मुझे कुछ स्टेप आ गई थी, तो थोड़ा देखो कैसे पेलते हैं उसको। I got supplies. अब इस बंदे को यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन जब तुम फायरिंग की आवाज़ें सुनो यार, एकदम नहीं रुक रही है। सोच लो भाई कितने सारे बंदे आए हैं यहाँ पे। फिलहाल उसको जैसे यहाँ पे फिनिश करता हूँ, सामने की तरफ से फुटस्टेप आई थी तो रश करते हैं यहाँ पे। Awesome. फिलहाल इस सेजनी को मारने के बाद पूछेंगे कि इस साइड में तो कोई बंदा नहीं होता, और सामने की तरफ से फायर आ रहा था तो सीधा मैं जाकर उधर रश कर देता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे मुझे एक नॉक बंदा दिखता है और उसको जल्दी से फिनिश करते हैं और सामने की तरफ जाते हैं, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे फायर आ रहे हैं और अभी भी ढेर सारे बंदे हैं, मतलब ढेर सारे किल्स मिलने का चांसेस है। और यहाँ पे फुटस्टेप आती है तो भाई देखो कैसे पेलते हैं बंदों को। भाई तुमको सही बता रहा, यहाँ पे मैं गलत कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी फुटस्टेप आ रही थी, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था बंदे की फुटस्टेप कौन सी है, टीममेट की कौन सी है। अब नॉर्मली जब भी मैं मैच खेलता हूँ मैं मैप के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, कभी कभी देखता हूँ मैप को, मोस्टली मैं फुटस्टेप को सुन के ही भाई रश करता हूँ। फिलहाल सामने दो बंदे, I got supplies. Awesome. Thanks. अब यहाँ पे हम लोग को लग रहा था कोई पोचिंगी में सब खत्म हो गए हैं और आराम से हम लोग यहाँ पे लूट वूट कर ही रहे होते हैं, तभी हमारा टीममेट एक नॉक हो जाता है और फिनिश भी हो जाता है। तो उसका मतलब पोचिंगी में भाई अभी भी कुछ कैंपर्स बचे हुए हैं जिनको भाई चुन चुन के मारना है, तो जाते हैं थोड़ा देखने के लिए। अब देखो यार रैंडम बंदों को एक दिक्कत क्या होता है ना कि भाई वो लोग माइक नहीं खोलते तो पता नहीं चलता है कि बंदे हैं कहाँ पे। फिलहाल सामने कुछ है, awesome, watch out, अब इस बंदे को यहाँ पे मैं जैसे फिनिश करता हूँ एक बंदे के फुटस्टेप ऊपर से भी आती है, तो यहाँ पे मैं एक नीट फेंकता हूँ। और जब तुम तीन नंबर को देखो भाई क्या स्पीड में भागा है ऊपर किल लेने के लिए, भाई ये तो मेरे से ही बड़ा किल चोट निकला यार। अब हम लोग को लग रहा था कि पूछेंगे मैं यही लास्ट बंदा बचा हुआ था जिसको हम लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन अचानक टीममेट मार्क करता है, चर्च के पास भी कुछ बंदे आ गए हैं, तो थोड़ा देखते हैं जाके उनको। awesome. Marked a location.
अब इस भाई को फिनिश करने के बाद पूछेंगे कि मैं तो कोई नहीं मिलता, तो यहाँ से लोग जाते रिकॉल चेक करने के लिए, और तभी ओपन में एक बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं धर लेता हूँ। अब भाई सच बताऊंगा तुमको, यहाँ पे मैं रश तो कर रहा था लेकिन भाई सच में डर भी लग रहा था मेरे को, क्या पता कोई बंदा उसको कहीं कैंप वैम्प कर रहा हो और मुझे पेल दे। अब जैसे इसको लूट रहा होता हूँ बगल से कुछ स्टेप, ये तो बॉट निकलता है, तभी जैसे इस बॉट को यहाँ पे फिनिश करने जा रहा होता हूँ मुझे एक डासिया की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब डासिया से कुछ बंदे आए हैं जो कि सामने जाकर होल्ड किए हैं, तो थोड़ा देखते हैं उनको, क्या पता भाई तीन चार बंदे निकले और पेल दे मेरे को इधर। Awesome. Thanks. अब ये बंदा इनके स्क्वाड का आखिरी चिराग होता है जिसको यहाँ पे मैंने बुझा दिया था, और उसके बाद हम लोग निकल के जाते हैं टेंपल के ऊपर, बट वहां कोई नहीं होता तो मैं नीचे जंप कर डालता हूँ और सामने मुझे एक यूएस जाती दिखती है, उसमें तीन बंदे। अब यहाँ पे तो मैं मर जाता हूँ लेकिन मैं जब रिकॉल होकर आता हूँ तो सीधा यहाँ सामने वाले घर पे रश करता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी करना जरूरी था और यहाँ पे हम लोगों के साथ वैसे फोर्थ पार्टी होने वाला है, तुम देखते जाओ, स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन जोनाथन को मारा यार। अब यहाँ पे मैं फाइट ले ही रहा होता हूँ लेकिन भाई पीछे से टप टप करके मेरे को टपका देते हैं। फिलहाल ये दूसरा गेम प्ले है, इसको एंजॉय करो। हो गया तो अबे यार डिसिंग कितना गंदा होता है यार, अबे इतना गंदा डिसिंग यार। प्लीज रिकॉल मी, गॉट इट। भाई स्टॉर्म बचा लेना बस, है ना, प्लीज रिकॉल मी। नाइस नाइस, इन्वेंटरी में चेक कर ले, कीड़ा है क्या तेरे पास? पीछे बंद है, पीछे बंद है, पीछे बंद है, फिर पीछे बंद है। अरे भाई ये यूट्यूबर है, तुम क्या समझते हो इसको? अब देखो भाई सामने कुछ बंदे होते हैं जिसकी मुझे फुटस्टेप यहाँ पे आ रही होती है, तो यहाँ पे मैं आराम से मेडकिट वगैरह लगा रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ तुम देखो बंदा कहाँ पे कैंप कर रहा होता है, जब मैं निकलता हूँ भाई कैंपर से मरा हूँ, कमेंट में जाकर बताओ कैंपर था कि नहीं है। फिलहाल जो भी है मैं रिकॉल हो जाता हूँ, और जो अपने रैंडम टीममेट है भाई उनको पता चल जाता है कि मैं यूट्यूबर, थोड़ा स्क्रीन वगैरह देख लिया तो उन्होंने पूछा था कि भाई यूट्यूब चैनल है, तो मैं थोड़ा चलो यार प्रमोशन कर देते हैं, चैनल का नाम बता दिया था बगल में, उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे एक बंदा। अब इस भाई को यहाँ पे मैं जैसे फिनिश करता हूँ यहाँ से मैं निकल जाता हूँ पोचिंकी, और पोचिंकी जा ही रहा होता हूँ यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। Awesome. भाई कुछ ज्यादा ही घास नहीं बढ़ गई है, मतलब बंदा दिखता भी नहीं है भाई सांप अगर बन जाए तो। फिलहाल जो भी हो इसको फिनिश करने के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ पोचिंकी, क्योंकि टीममेट बता रहे थे पोचिंकी में कुछ बंदे होने के चांसेस हैं। अब जैसे मैं पोचिंकी आता हूँ इस वाले घर के ऊपर एक बंदा होता है, जहाँ तुम देखो भाई ये बंदा क्या भागता है यहाँ पे। Awesome.
अरे भैया यहाँ पे मैं गलती फंसा था, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता टीममेट कौन है, एनिमी कौन है, किसको मारना है किसको नहीं मारना। फिलहाल वहां पे मैं रिवाइव हो जाता हूँ और उसके बाद निकल के आता हूँ गुटका नहीं मतलब गटका बंदे मारने के लिए, और बंदे मिल जाते हैं यहाँ पे। Awesome. कहाँ पे? I got supplies. Marked a location. भाई ये बंदे ने जो मेरे को सरप्राइज दिया है ना, मेरे को इतना भयंकर सरप्राइज आज तक कभी नहीं मिला। फिलहाल उस बंदे को यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ, और पीछे के साइड से फायर आ रही थी, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई जल्दी चलो किल मिलने वाला है। मुझे ले चल। कहीं ना कहीं कैंप करके बैठे बंदे या बेटे। भाई दो शब्द इस कैंपर के लिए नीचे तुम कमेंट में जाकर लिख दो, क्या बोलना चाहोगे? सांप था, कैंपर था, क्या बोलूँ इसको मैं? प्लस जो भी हो यहाँ पे मैं हील वगैरह लगाता हूँ, और इधर के साइड से बंदे दिखे थे मुझे तो मैं सीधा आगे रश कर देता हूँ उधर। क्या बोलते हैं इसको, एशियन टेम्पल बोलते हैं ना आई गेस? नीचे कॉमेंट जाकर बताना क्या बोलते हैं भाई इसको। फिलहाल यहाँ पर मैं सोच के जाता हूँ कि एक बंदा है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ गलत स्कैम होने वाला है, तुम देखो। भाई किस्मत अच्छा था, टीममेट मार दिया उसको, नहीं तो भाई यहाँ पे मैं कंफर्म फिनिश होने वाला था जिस हिसाब से वो कैंप किया था। अब ये जो दो नंबर टीममेट है ना भाई, कतई हैवी ड्राइवर है, बस का तुम ड्राइविंग स्किल देखो। और पहाड़ी पे कुछ बंदे होते हैं जो कि हम पे ही फायर कर रहे होते हैं, और मैं इसको बोल भी रहा होता हूँ कि भाई दे मैं ड्राइव करता हूँ, तू हट जा तेरे से नहीं हो पाएगा। बग्गी की हालत देखो, माँ कसम मरने वाला हूँ अभी। ऊपर ढेर सारे बंदे होते हैं जिनमें से एक बंदा बग्गी लेकर स्नाइपर टावर के पास में आके कैंप करने लगता है, साफ बन जाता है। मैं बोलता हूँ लेटा है, रोकना मत बग्गी, जो बोलूंगा उसका अपोजिट करना है बंदे को। अब जो भी हो भाई को यहाँ पे फिनिश कर दिया था, और टीममेट के पास में बंदे आ गए थे, थोड़ा देखते हैं उनको। Awesome. अपनी परीक्षा ले ली थी मैंने उसकी। Bring up voice chat. अबे 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 मार मार मार, अबे दे इसको मेरे। नाइस, पर हाथ लगाओ। Awesome. अरे हाथ तो लगाओ। अब यहाँ पे एक बंदा होता है जिसके पास में AMR होती है भाई, वो गलती फायर कर रहा होता है, पता नहीं कहाँ पे बंदा छिपा हुआ था। और यहाँ पे हम लोगों के साथ कुछ अलग सा स्कैम होता होता है BGMI की तरफ से, मतलब साउंड कहीं से आ रहा है, मार्क कहीं से आ रहा है, और बंदा कहीं और है, मतलब अलग ही चीज हो जाता है यहाँ पे, तुम खुद सुनो। मार्क कहीं और से रहा, वो इतना दूर से है क्या? गाड़ी तक फोड़ दी। अब देखो यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि भाई बंदे दिख नहीं रहे होते हैं, और हम लोग के अलावा दो बंदे और बचे हुए थे जिनमें से एक को मेरा टीममेट मार देगा। फिलहाल ये जो AMR वाला बंदा है ना, बस तुम देखो कैसे फेलता हूँ इसको। अब देखो यार मैं आपको एक टिप देता हूँ यहाँ पे, अगर आप ये सब सिचुएशन में फंस जाओ कि बंदा आपको नहीं दिखे बट फिर भी आपके ऊपर फायर हो रहा है, तो बस एक चीज अपने दिमाग में बैठाओ, सामने वाला एनिमी की जगह पे अपने आप को रख के देखो, अगर तुम होते तो भाई कहाँ पे छुपे होते, काइंड ऑफ प्रिडिक्शन लगाओ एक। और भाई प्रिडिक्शन अगर आपकी सही हुई तो बंदा मर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे को लगा था बंदा होगा जॉब के पीछे, जो कि यहाँ पे होता भी है, वो स्मोक स्मोक करके निकल रहा होता है, और भाई को यहाँ पे आराम से फिनिश कर देते हैं। तो फिलहाल गाइस आज की वीडियो में बस इतना था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो मेरे भाई जाकर सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और गाइस आज का लाइक मैं अगेन एक लाइक का बहुत दिन के बाद मांगा हूँ, तो कंप्लीट करवा देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड पीस आउट।